Hey everybody, welcome back to my channel. So, today we will continue with the next topic of class 12 NCRT economics. As we have started Indian economic development, and in that we are continuing with the fourth chapter, that is growth of industrial sector. So, in this, we will talk about the small scale industries. As we have already discussed, in the year 1950, planning commission was established in the year 1951 first five year plan was made which was from 1951 to 1956 and the main focus of the first five year plan was on the agriculture sector for the development of the agriculture sector second five year plan was made in the year 1956 and the main focus of this second five year plan was on the इंडस्ट्रियल सेक्टर अब देखो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना है उसकी डेवलपमेंट करनी है बिफोर दैट वी मस्ट बी क्लियर विद द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री तो इसीलिए 1955 में अंडर द कार्वे कमेटी इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया गया ये इनिशिएटिव लिया गया बाई द कारवे कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स द इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट अप टू रुपीज़ फाइव करोड़ तो वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें फाइव करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है उन्हें हम स्मॉल स्केल कंसिडर करते हैं देखो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द सर्विस सेक्टर तो मैन्युफैक्चरिंग में वो इंडस्ट्रीज़ जिनमें ट्वेंटी फाइव लैख तक की इन्वेस्टमेंट है वो होंगी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ स्मॉल ट्वेंटी फाइव लैक्स टू फाइव करोड़ मीडियम फाइव करोड़ टू टेन करोड़ ये हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड अगर हम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें फॉर द सर्विस सेक्टर देन द इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट अप टू रुपीज टेन लाख विल बी कंसिडर्ड माइक्रो इंडस्ट्रीज माइक्रो यूनिट्स स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनमें इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम टेन लाख टू टू करोड़ इन द सर्विस सेक्टर मीडियम टू टू फाइव करोड़ इन द सर्विस सेक्टर बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्चुअली जो एम एस एम ईस का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है एंड जो डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं बट एज पर द एनसीआर टी वंस वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस ऑनली एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस विल कॉन्टिन्यू विद द

एंड सोशल जस्टिस होगा अगर रिच एंड पुअर का गैप रिड्यूस हो जाएगा सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टू अचीव द ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस हाउ दैट विल डिस्कस विद द फीचर्स फर्स्ट वन इज एस एस आईज आर लेबर इंटेंसिव एंड देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली सेकेंड इज एस एस आई शोज लोकेशनल फ्लैक्सीबिलिटी एंड देयर फॉर इक्वालिटी ओरियंटेड Third one is SSI needs investment and needs less investment actually and is therefore equity oriented. Now we will discuss these points in detail. First one is SSIs are labor intensive and therefore employment friendly. Labor intensive means all such methods of production in which more labor is involved and less capital investment is there. अब देखो अगर पिकल मेकिंग है पापड़ मेकिंग है तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है यू कैन सिंपली स्टार्ट दिस एट योर होम ओनली ओके तो इसमें लेबर चाहिए होगी लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगी एज यू नो दैट ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड ओवर इंडिया and uh, due to that we inherited an economy from the British which was capital deficient but labor surplus. देखो ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज़ नियर बाय द इंडिपेंडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फेज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम 1950 टू 1990 तो उस टाइम की बात है ये तो उस टाइम पे क्या था जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉयट कर चुके थे और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड तो उन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं थी दैट वी कुड इन्वेस्ट इन द गुड टेक्नोलॉजी अपडेटेड मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन लेबर तो थी इसलिए कैपिटल डेफिशेंट इकॉनमी थी और लेबर सरप्लस इकॉनमी थी लेबर सरप्लस होने की वजह से उस टाइम कार्वे कमेटी ने यह प्लान किया कि इस लेबर को हम यूटिलाइज करेंगे बाय इस्टिशिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लेबर ज़्यादा चाहिए है तो लेबर ज़्यादा चाहिए होगी तो उससे क्या होगा लेबर यूटिलाइज हो जाएगी कैपिटल हमारे पास थी भी नहीं और हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी फॉर द एस एस आईज़ जितने ज़्यादा लेबर होगी मीन्स उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जितनी एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी एंड ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट बन गया नेक्स्ट कम्स एस एस आई शोज़ लोकेशनल फ्लैक्सीबिलिटी एंड इज़ देर फॉर इक्वालिटी ऑरियंटेड देखो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जैसे हम टाटा बिरला इनकी बात करें तो ये कुछ ऐसे एरिया में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट को इस्टाब्लिश करते हैं जहाँ पर इनको रॉ मटीरियल जल्दी अवेलेबल हो सके मीन्स इनको लोकेशन चेक करनी पड़ती है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े रॉ मटीरियल वाले यूनिट के पास ही ये अपना मैनुफेक्चरिंग यूनिट इस्टाब्लिश करते हैं बट अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तो इनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसे पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट होने की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये इतनी पॉल्यूटिव नहीं होती तो ये रॉ मटेरियल वाले सोर्स के पास ही होती हैं दीज आर इस्टेब्लिश्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल अब रॉ मटेरियल का सोर्स अगर इंडस्ट्रियल यूनिट के क्लोज है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे सेल्स ज़्यादा होगी प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे प्रॉफिट्स होंगे तो रिच पुअर का गैप रिड्यूस हो जाएगा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उनको भी प्रॉफिट्स होंगे तो पुअर का गैप रिड्यूस हो जाएगा इससे बैलेंस रीजनल ग्रोथ भी होगी वो वाले रीजन्स जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं इस्टेब्लिश कर सकते वहाँ पे एस एस आईज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं नेक्स्ट इज एस एस आई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज़ देयर फॉर

तो एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन लेबर ज़्यादा है लेबर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट और हम कहें एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसकी रेशियो में कितने पर्सन्स को इम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है एस एस आइज़ में क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव हैं तो इन सब चीज़ों की वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस्टाब्लिश करना ईजी था सो दीज नीड लेस इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी भी प्रमोट होगी इक्विटी कैसे प्रमोट होगी अगेन रिच एंड पुअर का गैप रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इम्प्लॉयमेंट अगर हो रही है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी रिच पुअर का जो गल्फ है दैट विल बी कवर्ड सो आई होप यू गेट दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन डोंट फोरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू न्यू टू माई चैनल देन डोन्ट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर विद फ्रेंड्स प्लस टू के लिए है आप ही की रिक्वेस्ट पे आई है ये वीडियो तो मैक्सिमम शेयर करो व्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि हम नेक्स्ट वीडियो कब कब लाते हैं बिकॉज़ वी आर गोइंग विद द नाइन्थ टेंथ एन सी आर टीज एज वेल तो जितने ज़्यादा अगर प्लस टू के ये जो इंडियन इकॉनमी है अगर इसके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो आई ट्राई कि कम से कम एक वीडियो प्लस टू के लिए भी अपलोड हो जाए सो थैंक यू सो मच